The Delhi High Court is hearing a petition by jail Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal challenging his arrest by the enforcement directorate in a money laundering case linked to the alleged excise policy scam. Arvind Kejriwal's petition, in which he has sought immediate release on account of the arrest and the subsequent remand to the ED being illegal, is being heard by Justice Swaran Khan Sharma. Meanwhile, the ED has opposed the Delhi CM's bail in the High Court and has sought time to reply. These are, of course, the big uh, updates uh, we are tracking for you uh, on the broadcast. Uh, uh, the petition, of course, uh, uh, challenging Arvind Kejriwal's arrest, is being heard by the Delhi High Court as we speak. Hearing is underway on uh, Arvind Kejriwal's uh, plea challenging his arrest by the Enforcement Directorate in a money laundering case linked to the alleged excise policy scam while well, arvind kejriwal's petition in which he sought immediate release on account of the arrest and subsequent remand to the ed being illegal is being heard by justice swaran kant sharma the ed of course is opposing uh, this uh, petition this plea and uh, the ed of course opposing his uh, bail and seeking time to reply Ayush Sharma is uh, joining us for more details on this story. Ayush, uh, uh, has uh, the petition hearing now begun in the Delhi High Court? जी बिल्कुल अब दिल्ली हाई कोर्ट में पटिशन पर सुनवाई शुरू हो चुकी है हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने 10 मिनट का समय मांगा है जो कोर्ट ने उन्हें अभी दे दिया है क्योंकि ये बात कही जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस हेयरिंग को सुनने के लिए जुड़ गए हैं इस वजह से लॉयर्स को कनेक्ट होने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी फिर चाहे वो ए एस जे राजू हो या फिर अभिषेक मनु सिंह भी हो समस्या इनको आ रही थी लेकिन पटिशन पर फिलहाल बात की जा रही है जो इन्होंने बेल पटिशन फाइल की है अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से उनका कहना है कि जो ये गिरफ्तारी हुई है ये असंवैधानिक है ये गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है इसको लेकर पिटिशन फाइल की गई है हालांकि ईडी के जो वकील हैं जो ASG है यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें समय चाहिए इस पर अपने जो रिप्लाई होता है वो फाइल करने के लिए उन्होंने वक्त मांगा है अब इस वक्त अब कोर्ट में ये देखना होगा कि जो वक्त ईडी के वकील को दिया जाएगा जी आयुष ये बहुत बड़ी खबर है कि अब सुनवाई शुरू हो गई है क्योंकि एक घंटे पहले कहा गया था कि कुछ समय में जज जज जो है वो सुनेंगे अरविंद केजरीवाल के पेटिशन को के की गुहार को क्या कुछ कहा गया इस पेटिशन में अरविंद केजरीवाल द्वारा और ईडी का क्या रुख होगा ईडी इसको इसका विरोध कर रही है ईडी समय मांग रही है क्या ये सही है जी बिल्कुल समय मांगा गया है क्योंकि जो ए राजू हैं उन्होंने ये बात कही है कि लास्ट मिनट एप्लीकेशन जो है वो उनको दी गई थी अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से और इस लास्ट मोमेंट एप्लीकेशन के चलते वो अपना रिप्लाई जो है वो फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो अब उन्होंने रिप्लाई के लिए समय मांगा है हालांकि कल दोबारा अरविंद केजरीवाल की राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने पेशी होनी है लेकिन कुछ बड़ी बातें जो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कही गई थी वो चार मुख्य जो पॉइंट्स हैं उसमें से पहला तो ये है कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी ने उनको आधारभूत और मानवाधिकारों का हनन किया है यह पहला पॉइंट दिया जा रहा है दूसरा ईडी केजरीवाल के खिलाफ अपराध साबित कर पाने में नाकामयाब रही है तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है वो है बिना पूछताछ के गिरफ्तारी दिखाती है कि मौजूदा कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है लगातार आम आदमी पार्टी यह आरोप लगाती आ रही है भाजपा पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी कहा है कि जो गिरफ्तारियां हो रही है ईडी की जांच हो रही है ये राजनीति से प्रेरित इसको बताया जा रहा है साथ में केजरीवाल ने जेल से तुरंत रिहाई और रिमांड रद्द किए जाने की मांग भी की है For more such videos,